यूपी के लखीमपुर खीरी जनपद के नीम गांव थाना क्षेत्र के एक गांव में 18 वर्षीय दलित छात्रा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में एक तालाब से बरामद हुआ था, जिस पर परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका भी जताई थी। मौके पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पहुंचकर घटना के जल्द खुलासे की बात परिजनों से कही थी, जिसके बाद SP ने कई टीमों को गठित कर अभियुक्तों की तलाश शुरू कर दी थी। बुधवार को पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दिलशाद का युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और युवती की शादी कहीं और तय हो जाने से वह परेशान था, इसलिए उसने इस हत्या को अंजाम दिया। दिनांक 25/8 थाना नीम गांव में धारा 302-376 के तहत जो पंजीकृत किया गया था, उसमें पुलिस की विवेचना से ये पाया गया कि मृतका की एक संदिग्ध व्यक्ति से मोबाइल पर कई महीनों से वार्ता हुआ करती थी। घटना से एक दिन पूर्व मृतका द्वारा उससे 13 बार वार्ता की गई। पुलिस ने संदेह के आधार पर अभियुक्त दिलशाद सनोफ साजिद निवासी बेहजम को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त दिलशाद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसके अतिरिक्त जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, जैसे फिंगरप्रिंट्स, रक्त रंजित कपड़े, CCTV फुटेज, मोबाइल की CDR, इनसे भी अभियुक्त दिलशाद की जो स्वीकारोक्ति है उसकी पुष्टि होती है। अभियुक्त को सुसंगत धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेजा जाता है।